शासन द्वारा चकबंदी विभाग का राजस्व विभाग में विलय, प्रतिनियुक्ति की प्रस्तावित संभावना तथा लेखपाल व संग्रह अमीनों का वेतन उच्चीकरण, ग्रेड वेतनमान, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ के बैनर तले विभिन्न मान्यता प्राप्त संगठनों ने गुरुवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के फैसले का विरोध करते हुए विलय को निरर्थक बताते हुए इसे कर्मचारियों के प्रति अन्याय बताया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्व विभाग में चकबंदी विभाग का विलय कतई मंजूर नहीं, अगर सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। धरने में जनपद के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल मौजूद रहे। धरने का नेतृत्व महासंघ के जिलाध्यक्ष तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित व संचालन लेखपाल संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र नाथ तिवारी ने किया। इस दौरान लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष नीलकंठ दुबे, तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज, मंत्री जावेद, राजस्व निरीक्षक संघ के वीर बहादुर सिंह, पद्मन सिंह, योगेंद्र नाथ दुबे सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजस्व महासंघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, भोला साहब का आगमन नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश महासंघ, उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ, उत्तर प्रदेश अमीन संघ, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार कानवर संघ है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, राजस्व महासंघ, उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ, जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश अमीन 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 संघ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश राजस्थान संघ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों के मत है, वेदना है, चाहते हम कुछ भी ना हो, हमें हमारे में रहने दीजिए, आप अपने में रहिए। के माध्यम से जाना चाहता हूँ, जलायु के लोग भी आए हुए हैं, उनके भी माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, से मेरा सादर आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के लोग को ये अवगत कराइए कि हमें हमारे पर छोड़ दीजिए, हमारे में दूसरे को मत बसाइए, नहीं स्थिति भारत और पाकिस्तान जैसी होने लगेगी। हम अपने पक्ष बचाने में मजबूत हैं, हम बचाने के लिए पुरजोर शक्ति रखते हैं, हमें कहीं बताना नहीं पड़ता है, उत्तर प्रदेश अमीन संघ को, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को, राजस्व निरीक्षकगण को, अमीन रजिस्ट्रार खान को, साहबान को, तहसीलदार साहब तो मजिस्ट्रेट लोग हैं, नायब तहसीलदार तो मजिस्ट्रेट, तो उन्हें कहीं जाके बताना नहीं पड़ता है कि हम फला हैं, लेकिन अन्य विभाग के लोगों को बताना पड़ता है कि मैं फला विभाग से आया हुआ हूं। इसलिए मान्यवर, यदि हमारी आवाज आप तक तो पहुंच रही हो, मान्यवर यदि हमारी आवाज आपके कानों तक जा रही हो, तो मीडिया के बंधुओं से मेरा सादर आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की सरजमी से लोगों को यह बताइए कि हमें किसी भी प्रकार से उनकी प्रवेश हमारे में हमें बर्दाश्त नहीं है। आप लोग तालियां बजाते रहिए, बजाएंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, ये जानिए, खास करके पुरुष वर्ग से तो मेरा आग्रह है, कई दिनों का ये कार्यक्रम चल सकता है, जैसा फ्रांस का निर्देश आएगा, धरना प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं है, हम अनुशासित कर्मचारी हैं, अनुशासित अधिकारी हैं, अनुशासन में रहना हमारा एक धर्म है, परंतु यदि हमें उकसाया गया तो यही होगा कि खून बहेगा सड़कों पर। ये राजस्व विभाग से संबंधित कई मामले हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से जिन मांगों को लेकर हम बैठे हैं उसमें है कि राजस्व विभाग में चकबंदी विभाग के विलय की योजना सरकार द्वारा प्रस्तावित है, उस विलय का विरोध करते हैं, पुरजोर ढंग से विरोध करने के लिए एक राजस्व महासंघ का गठन हुआ है, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित 7 अलग अलग संघों ने मिलकर एक संघ का गठन किया है। जी, जैसा हमारा प्रांतीय नेतृत्व तय करेगा, इस पर यह भी है कि अभी बात चल रही है, माननीय अध्यक्ष जी राजस्व परिषद द्वारा, अपर मुख्य सचिव राजस्व महोदया द्वारा वार्ता के लिए समय दिया गया है, कल एक वार्ता हुई भी है,
लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उसका उत्तर नहीं मिला है। जब तक ये तय नहीं हो जाता तब तक ये विरोध चलेगा। आज हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम है, आगे जैसा निर्देश प्रांतीय नेतृत्व का होगा वैसा हम लोग करेंगे।